आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जो है कॉल हिस्ट्री जो होती है वो नहीं दिख रहा है मतलब, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो इसे कैसे आप सही कर सकते हो। तो हमारे फ़ोन में दिख रहा है लेकिन आपके फ़ोन में नहीं दिख रहा है, तो कैसे आपको सही करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके अपने मोबाइल को सेटिंग को आपको डायरेक्टली आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे आप देख सकते हैं जब आप सेटिंग को ओपन करोगे तो आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा और आपको ऑप्शन देखने को आ जाएगा ऐप्स का। जैसे आप देख सकते हैं तो आपको ऐप्स वाले ऑप्शन भी आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं ऐप्स वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप फ़ोन को भी यहाँ डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो आपको फ़ोन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे यहाँ पर देखने को आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर फ़ोन दिख रहा है जैसे आप देख सकते हो, तो आपको इस फ़ोन वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। अब आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको परमिशन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो आपके इस परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और आपको बता दें कि आप जो भी परमिशन आपका अलाउ नहीं है आपको डायरेक्टली अलाउ कर देना है। जैसे मान लीजिए हम ये परमिशन को डू नॉट अलाउ वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं तो होगा क्या, जैसे आप देख सकते हैं आप डू नॉट अलाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पर नीचे आ गया। तो ऐसे अगर आपका जो है अलाउ नहीं है तो आपको डायरेक्टली करना क्या होगा, उस परमिशन को आप अलाउ कर देना होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं अब आपको डायरेक्टली अपने देख सकते हैं फ़ोन के जैसे ऑप्शन में आपको आ जाना। जैसे आप देख सकते हैं अब आपको देख सकते हैं हमारे जो कॉल हिस्ट्री जो है यहाँ पर दिख रही है लेकिन आप में नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करके और जैसे आप देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल हिस्ट्री आपको दिखेगा। अब आपको डायरेक्टली करना क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट का, आप इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लियर कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से अपने जो है क्लियर कॉल हिस्ट्री को आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होगा। इससे होता क्या है कि आपको जो कॉल हिस्ट्री जो होती है अगर फुल हो जाती है तो आप में नहीं दिखता, तो आप यहाँ पर क्लियर करोगे। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको जो है आपके फ़ोन में जो है कॉल हिस्ट्री जो है आपके फ़ोन में दिखने लगेगा। तो ऐसे आप जो अगर आपके फ़ोन में जो है कॉल हिस्ट्री नहीं दिख रहा है तो ऐसे आप जो इसे सही कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।